नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपको बताएंगे 45 एचपी कैटेगरी के एक ऐसे ट्रैक्टर के बारे में जो कि स्वराज कंपनी की ओर से आता है। और इस ट्रैक्टर में आपको 45 एचपी कैटेगरी का अपनी कैटेगरी में सबसे बड़ा इंजन मिलेगा जो कि सबसे बड़ी क्यूपी कैपेसिटी के साथ आता है। इसके अलावा इस ट्रैक्टर में आपको एक्स्ट्रा टॉर्क मिल जाएगा और ट्रैक्टर में आपको रिवर्स पीटीओ, कंपनी फीडर, डबल डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व और ट्रैक्टर में आपको एक ऐसा सेंसर मिलेगा जो कि ट्रैक्टर को न्यूट्रल होने पर ही स्टार्ट होने देगा। इसके अलावा ट्रैक्टर की कीमत काफ़ी कम रखी गई है और अपनी कैटेगरी के हिसाब से सभी एडवांस फीचर इस कंपनी ने इस ट्रैक्टर में ऐड कर दी है। तो चलिए आपको इस ट्रैक्टर के बारे में बताते हैं। यह ट्रैक्टर है स्वराज कंपनी का 742XT मॉडल। इस ट्रैक्टर में आपको रिवर्स पीटीओ की बेजिंग मिल जाएगी। चलिए फ्रंट के लुक से शुरुआत करते हैं इस ट्रैक्टर की। तो इस ट्रैक्टर में आपको कंपनी फिटेड काफ़ी हैवी ड्यूटी फ्रंट बम्पर देखने को मिल जाएगा जो कि इंजन के कलर के कॉम्बिनेशन के साथ आता है। इसके अलावा ट्रैक्टर में आपको काफ़ी शानदार लुक में हेड लैंप देखने को मिल जाएंगे जो कि हेलोजन लैंप में आते हैं। इसके नीचे आपको स्वराज की बेजिंग मिल जाएगी जो कि व्हाइट कलर और ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन में है। इसके अलावा व्हाइट कलर की काफ़ी शानदार आपको जाली देखने को मिलेगी। इसमें काफ़ी ज़्यादा गैप दिया गया है जिस वजह से ट्रैक्टर का इंजन जल्दी गर्म नहीं होता है और ट्रैक्टर के रेडिएटर को काफ़ी बराबर हवा यहाँ पर मिलती रहती है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि RPTO यानी कि रिवर्स पीटीओ की बेजिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। 3-स्टार की बेजिंग मिल जाएगी और व्हाइट और ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन में आपको स्वराज 742XT की बेजिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा ट्रैक्टर के एयर क्लीनर की बात करें तो ट्रैक्टर में आपको ऑयल बाथ टाइप का 3-स्टेज वाला एयर फिल्टर देखने को मिलेगा जो कि अपनी कैटेगरी के हिसाब से काफ़ी बड़ा एयर फिल्टर इसमें दिया गया है। इसके अलावा बात करें ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सल की तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल है और आप देख सकते हैं कि ये एडजस्टेबल है। इसके अलावा इसमें पावर स्टीयरिंग आपको देखने को मिल जाएगी और इस ट्रैक्टर में आपको डबल डीजल फिल्टर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको ट्रैक्टर का जो इंजन है उसको मेंटेनेंस फ्री रखने के लिए कंपनी ने यहाँ पर वाटर सेपरेटर भी अवेलेबल करा दिया है। चलिए अब बात कर लेते हैं ट्रैक्टर के इंजन के बारे में। उससे पहले आपको बताएंगे इस ट्रैक्टर में एक ऐसा मैकेनिज्म दिया गया है जो कि आपको इस कैटेगरी में किसी अन्य ट्रैक्टर में देखने को नहीं मिलेगा। इस ट्रैक्टर में पावर स्टीयरिंग और हाइड्रोलिक के लिए एक अलग से मैकेनिज्म दिया है जिस वजह से ट्रैक्टर मेंटेनेंस फ्री रहता है। तो चलिए एक बार आपको उस टेक्नोलॉजी को बताते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं उस टेक्नोलॉजी के बारे में जिस वजह से यह ट्रैक्टर अपनी कैटेगरी में सबसे खास है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक काफ़ी शानदार मैकेनिज्म देखने को मिलेगा जो कि आपने किसी अन्य ट्रैक्टर में नहीं देखा होगा। आपको ट्रैक्टर की जो हाइड्रोलिक है उसके लिए पंप यहाँ पर अलग से मिल जाएगा और ट्रैक्टर की पावर स्टीयरिंग है उसके लिए पंप यहाँ पर मिल जाएगा। इस वजह से ट्रैक्टर में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी ऑयल मिक्स नहीं होगा और ट्रैक्टर मेंटेनेंस फ्री रहेगा। और इस पंप की वजह से ट्रैक्टर की जो पावर स्टीयरिंग है वो काफ़ी स्मूथ होती है। इस वजह से ड्राइवर काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से ट्रैक्टर को चला सकता है और थकान भी कम आएगी। इसके अलावा आप इधर ट्रैक्टर का ऑयल फिल्टर देख पाएंगे और हाइड्रोलिक फिल्टर भी पास में दिया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पर ट्रैक्टर की मोटर मिल जाएगी जो कि ट्रैक्टर को स्टार्ट करने के काम आती है। इसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं कि कैटेगरी के हिसाब से काफ़ी बड़ा फैन यहाँ पर दिया गया है जो कि ट्रैक्टर के इंजन को जल्दी गर्म नहीं होने देगा। इसके अलावा बात करें ट्रैक्टर के बैटरी की तो बैटरी बॉक्स साइड में दिया गया है जिस वजह से मेंटेनेंस में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और आसानी से इस बॉक्स को खोलकर ट्रैक्टर का मेंटेनेंस किया जा सकता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इस ट्रैक्टर में एक यहाँ पर सेंसर दिया गया है जो कि ट्रैक्टर के गियर को न्यूट्रल होने पर ही स्टार्ट होने देगा। ये भी सेफ्टी के हिसाब से काफ़ी अच्छा कंपनी ने फीचर इसमें ऐड किया है। इसके अलावा ट्रैक्टर का साइलेंसर वही सिंपल लुक में दिया गया है जो कि पहले आता था। चलिए अब बात कर लेते हैं ट्रैक्टर के इंजन के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको सिंगल पीस बोनट मिलता है जो कि यहाँ पर आपको दो लॉक दिए गए हैं इसको खोलने के लिए। तो एक बार इसको खोलकर आपको बताएंगे कि ट्रैक्टर का जो इंजन है वो किस टाइप का इंजन है और इसमें कूलिंग टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको इसमें दो लॉक देखने को मिल जाएंगे जो कि ट्रैक्टर को खोलने के लिए काफ़ी आसान है। तो आप देख सकते हैं कि कैटेगरी के हिसाब से काफ़ी बड़ा रेडिएटर कंपनी ने इसमें दिया है जो कि कूलेंट कूल्ड रिजर्वायर टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसमें आपको कूलेंट के लिए अलग से सेपरेट बॉक्स मिल जाएगा, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही कूलेंट इसमें जाएगा। इसके अलावा इसमें आपको रिजर्व मिल जाएगा। इसके अलावा ट्रैक्टर का जो स्टीयरिंग है उसके स्टीयरिंग के लिए अलग से बॉक्स यहाँ पर दिया गया है। स्टीयरिंग का जो ऑयल है वो यहाँ पर आएगा। इसके अलावा ट्रैक्टर में आपको 3-सिलेंडर इंजन मिल जाएगा और बात करें ट्रैक्टर के फ्यूल टैंक की तो वो यहीं पर दिया गया है जो कि काफ़ी हैवी ड्यूटी है जो कि लगभग 50 लीटर की कैपेसिटी के साथ आता है। इसके अलावा बात करें ट्रैक्टर के इंजन की तो आप देख सकते हैं कि कंपनी ने इसमें 3-सिलेंडर इंजन दिया है जो कि बोश कंपनी के इनलाइन पंप के साथ आता है, यानी कि इसमें किसी ऑयल को देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा इसमें आपको डबल डीजल फिल्टर मिल जाएंगे। और बात करें ट्रैक्टर के इंजन की तो इसमें आपको कैटेगरी के हिसाब से सबसे बड़ा इंजन दिया है जो कि एक्स्ट्रा टॉर्क निकालता है और पीटीओ पावर भी काफ़ी अच्छी निकालता है। तो आप देख सकते हैं कि कैटेगरी के हिसाब से कंपनी ने इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। और बात करें ट्रैक्टर के इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी की तो इसमें आपको 3136 cc का इंजन मिलेगा जो कि 2000 इंजन रेटेड RPM पर काम करता है। ट्रैक्टर 3-सिलेंडर इंजन के साथ आता है और इसमें आपको वाटर कूलिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं ट्रैक्टर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, गियर बॉक्स और
प्लेटफॉर्म के बारे में। जो ट्रैक्टर का जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी चौड़ा दिया गया है और इसमें आपको चढ़ने के लिए भी काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें आपको ट्रैक्टर पर चढ़ने के लिए सिंगल फुट स्टेप आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको हल्का बम्प देखने को मिलेगा जो कि बिल्कुल सपाट सा तो प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा इसमें आपको सेंटर शिफ्ट गियरबॉक्स मिल जाएगा जो कि कॉन्स्टेंट मेश और स्लाइडिंग मेश के कॉम्बिनेशन के साथ आता है। चलिए बात करते हैं ट्रैक्टर की सीट के बारे में। तो इसमें आपको काफ़ी कंफर्टेबल सीट मिलती है जो कि आसानी से एडजस्ट की जा सकती है, चाहे आप आगे या पीछे लेना चाहें या अपने वेट के हिसाब से एडजस्ट करना चाहें, वो सभी काम आप यहाँ पर आसानी से कर पाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं ट्रैक्टर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और स्टीयरिंग व्हील के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर में काफ़ी छोटा स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जो कि पावर स्टीयरिंग के लिहाज से काफ़ी अच्छा दिया गया है और इसके बीच में आपको कारों जैसा फीचर मिलेगा। इसके ट्रैक्टर का जो हॉर्न है वो आपको बीच में ही देखने को मिल जाएगा जो कि स्वराज की बेजिंग के साथ आता है और स्टीयरिंग व्हील घुमाने में काफ़ी इजी है और काफ़ी शानदार आपको कंफर्टेबल महसूस होगा। इसके अलावा बात करें ट्रैक्टर के गियर बॉक्स की, तो इसमें आपको मेन गियर पर चार गियर आगे के लिए और एक रिवर्स गियर का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो एक छोटा लीवर दिया गया है जो कि हाई लो का है, यानी कि आपको 8 गियर आगे के लिए और 2 गियर रिवर्स के लिए मिल जाएंगे। और बात करें ट्रैक्टर के क्लच की, तो इसमें आपको काफ़ी स्मूथ क्लच मिलता है जिसमें आपको ड्यूअल और सिंगल दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। अगर आप लंबा ट्रैक्टर चलाते हैं और ट्रैक्टर में अगर आपको थकान जैसा महसूस होता है तो आप यहाँ पर पैर रख सकते हैं, एक्स्ट्रा पायदान है वो कंपनी ने यहाँ पर दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको ब्रेक लीवर मिल जाएंगे जो कि इसमें ऑयल इमर्स्ड ब्रेक्स मिलता है। इसके अलावा हैंड ब्रेक का लीवर आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी ने अपने कैटेगरी के हिसाब से एक और अच्छा फीचर यहाँ पर ऐड किया है जो कि ट्रांसपोर्ट लॉक है, यानी कि ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक को आप यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। ट्रैक्टर के पीटीओ की, तो आप देख सकते हैं कि इसमें 540 स्टैंडर्ड पीटीओ मिलती है। इसके अलावा इसमें आपको रिवर्स पीटीओ भी मिल जाएगी यानी कि मल्टी स्पीड पीटीओ आपको इसमें मिलती है और ट्रैक्टर में आपको काफ़ी अच्छा टूल बॉक्स मिलता है जो कि फाइबर का है। इसके अलावा इसमें आपको कंपनी ने लगभग सभी जो ज़रूरी इम्प्लीमेंट है टूल्स के वो यहाँ पर इसमें प्रोवाइड कराए हैं, चाहे डबल डिस्ट्रीब्यूटर वाल की सर्विस करनी हो या ट्रैक्टर के जो भी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं वो सब इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं ट्रैक्टर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी ने यहाँ पर काफ़ी सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है जिसमें आपको फ्यूल मीटर मिल जाएगा, ट्रैक्टर का टेम्परेचर मीटर मिल जाएगा, इसके अलावा ट्रैक्टर की बैटरी कितनी चार्ज है उसका मीटर मिलेगा और ट्रैक्टर में आपको ट्रैक्टर कितने घंटे चला है या कितने आरपीएम पर काम कर रहा है वो भी आपको मीटर इसमें देखने को मिल जाएगा। और इसमें आपको हैंड रेस्ट यहीं पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसमें काफ़ी बड़ा आपको साइड मिरर देखने को मिलेगा। और बात करें ट्रैक्टर के की होल की, तो यहाँ पर सिंपल डिज़ाइन में मिल जाएगा और यहाँ पर आपको ट्रैक्टर की लाइट से जुड़े स्विच मिलेंगे, यहाँ पर इंडिकेटर स्विच मिल जाएंगे और ट्रैक्टर के इंजन को ऑफ करने का लीवर आपको यहाँ पर मिल जाएगा जो कि स्टॉप का यहाँ पर आपको साइन मिलेगा, इसको खींचकर ट्रैक्टर के इंजन को आसानी से बंद किया जा सकता है। बात करें ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक की, तो इसमें आपको ADDC टाइप की हाइड्रोलिक दी गई है यानी कि ऑटो डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल वाली टेक्नोलॉजी वाली आपको इसमें लिफ्ट मिल जाएगी। और इस ट्रैक्टर में आपको यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट दिया है, इसमें आपको 12 वोल्ट का आउटपुट देखने को मिलेगा और मोबाइल को रखने के लिए यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाएगा, ये भी कंपनी ने एक अच्छा फीचर इसमें दिया है। इसके अलावा मड गार्ड आपको वाइट कलर में मिलेंगे जो कि काफ़ी चौड़े हैं और इसमें आपको कंपनी फिटेड कैनोपी मिल जाएगी और ट्रैक्टर में आपको दोनों ही साइड काफ़ी बड़े रिवर्स लाइट और इंडिकेटर दोनों ही मिल जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं ट्रैक्टर के टायर साइज़ की, तो फ्रंट में आपको गुडियर कंपनी के टायर मिलेंगे, देख सकते हैं आप कि इसमें 6/16 की साइज़ में फ्रंट टायर मिल जाएंगे। इसके अलावा बात करें ट्रैक्टर के बैक टायर की, तो बैक साइड में भी आपको 2 टायर के ऑप्शन मिलते हैं, इसमें आपको गुडियर कंपनी के 13/26 के टायर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप ऑप्शन लेना चाहते हैं तो 14/28 की साइज़ भी आपको देखने को मिलेगी, आप अपने इम्प्लीमेंट के हिसाब से टायर साइज़ को चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें ट्रैक्टर के बैक साइड की, तो बैक में भी आपको ब्रेक लाइट और इंडिकेटर यहाँ पर साथ में मिलेंगे, इसके अलावा साइड में आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इस ट्रैक्टर का बैक पोर्शन देख सकते हैं जो कि काफ़ी हैवी ड्यूटी कंपनी ने यहाँ पर दिया है, इसमें आपको सीट के पीछे काफ़ी बड़ा रिफ्लेक्टर मिलेगा। इसके अलावा वाटर बोतल का होल्डर यहाँ पर मिल जाएगा, ट्रैक्टर की जो सीट है उसको आप अपने वेट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा 12 वोल्ट का आउटपुट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, आप जो भी कृषि उपकरण ट्रैक्टर के पीछे यूज़ कर रहे हैं उनके ऊपर आप चाहे ब्रेक लाइट लगाना चाहें इंडिकेटर लगाना चाहें तो उनके लिए आप यहाँ से कनेक्शन दे सकते हैं। इसके अलावा कंपनी फिटेड टॉप लिंक मिल जाएगी और सबसे खास जो इस ट्रैक्टर की 3-पॉइंट लिंकेज है वो काफ़ी हैवी ड्यूटी दी है और आप देख सकते हैं कि पूरी जैक सिस्टम के साथ आती है जिसको मैनेज करना काफ़ी आसान है और इसमें आपको चेन वाला सिस्टम नहीं मिलेगा यानी कि टूट फूट की कोई दिक्कत इसमें नहीं रहेगी। इसके अलावा जो कंपनी ने जो हिच दिया है वो भी काफ़ी एडजस्टेबल है और काफ़ी आपको हैवी ड्यूटी देखने को मिलेगा। इसके अलावा टॉप लिंक लगाने के लिए यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, ये भी आपको काफ़ी अच्छा फीचर कंपनी ने यहाँ पर दिया है। अगर आपके वहाँ पर सॉफ्ट है ज़मीन तो ऊपर वाले में ले लें,
मीडियम है तो यहाँ पर ले लें, और हार्ड वाले हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर अलग से ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा बात करें ट्रैक्टर के पीटीओ की, तो इसमें आपको 540 स्टैंडर्ड पीटीओ और रिवर्स पीटीओ, यानी कि आपको अच्छा ऑप्शन कंपनी ने यहाँ पर दिया है। और पीटीओ पावर इसमें आपको 38 हॉर्स पावर की मिल जाएगी, जो कि कैटेगरी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा पावर है। इसके अलावा बात करें ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक कैपेसिटी की, तो इसमें आपको 1700 केजी की काफ़ी हैवी ड्यूटी हाइड्रोलिक कैपेसिटी दी गई है। इसके अलावा काफ़ी बड़ी आपको यहाँ पर बैक लाइट मिल जाएगी, जो कि नाइट में काम करने में आपको कभी भी दिक्कत आने वाली नहीं है। इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पर जो सबसे बढ़िया फीचर इसमें दिया है वो है डबल डिस्ट्रीब्यूटर वाल का। कंपनी ने टेक्नोलॉजी के साथ क्वालिटी से भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, और काफ़ी हैवी यहाँ पर आपको डबल डिस्ट्रीब्यूटर वाल देखने को मिलेगी, और इसका लीवर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इसे आप आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसकी जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी रखी गई है। अगर आप ट्रैक्टर पर रिवर्सिबल प्लाउ या आप लेजर लेवलर डोजर कुछ भी चलाना चाहें तो वो आप आसानी से चला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी ने ट्रैक्टर में टेक्नोलॉजी और क्वालिटी किसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। और अब आखिर में बात कर लेते हैं ट्रैक्टर की कीमत की, तो आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रैक्टर है वो 45 एचपी कैटेगरी का ट्रैक्टर है, और ट्रैक्टर आपको लगभग कीमत की बात करें तो ये ट्रैक्टर 7 लाख से लेकर 7.5 लाख के बीच में मिल जाएगा। अगर आप इस ट्रैक्टर की एग्जैक्ट कीमत जानना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी स्वराज कंपनी के डीलरशिप पर जाकर इसका पता कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस ट्रैक्टर के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। ये ट्रैक्टर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और किसान भाइयों के साथ भी शेयर करें। और कृषि से जुड़े वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप किसी अन्य ट्रैक्टर के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं या कृषि के क्षेत्र में किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।